कि इस मैदान में चिलचिलाती धूप और तकरीबन 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी मौजूद बड़ी तादाद में बुजुर्ग माएं बहनें युवा साथी, आप सब बिहार की धरती के लोग हैं और राजनीति को हमेशा एक दशा और दिशा देते हैं। मैं बहुत दूर से चल करके इस तपती दोपहरी में आपसे थोड़ी देर बातचीत करने के लिए आया हूं, तो आपकी उपस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है मंच के लोगों से, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मैं इस बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए यहां मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, लेफ्ट के जो हमारे साथी बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर आपसे बड़ी गंभीर बातचीत करना चाहता हूं और लहलातपुर की इस धरती पर खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जब आप बूथ पर जाओगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके आकाश कुमार सिंह को वोट दोगे, तो आप ये सिर्फ मत सोचना कि आप सिर्फ एक मेंबर आप पार्लियामेंट चुन रहे हो, आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए वोट दे रहे हो, आपका दिया गया एक एक वोट भारत के संविधान को मजबूत करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को इन फासिस्ट ताकतों से बचाने का काम करेगा। सर उठा के निकले हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है, किसी भी सत्ता के सामने घुटने टेकने वाले लोग नहीं है। मैं आज आपके बीच में यहां खड़ा होकर के और खास तौर से अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है दिल्ली की गद्दी में कौन सी सरकार बनेगी ये तय करने का, ये चुनाव सिर्फ नाली सड़क और पानी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, भारत में कौन सा नया कानून बनेगा ये तय करने का चुनाव है। और ऐसे में राहुल गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके आकाश कुमार सिंह को आपका प्रत्याशी बनाया है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है, लालू जी सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट कर रहा है, वीआईपी सपोर्ट कर रहे हैं। जब सारी अच्छी ताकतें एकजुट हो गई हैं तो फिर जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा, आप एकजुट होंगे तो आपके यहां का जो सांसद आने वाला चुना जाएगा आकाश कुमार सिंह, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट का सहयोग करेगा हमारा भाई। इसलिए मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने पिछले कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ताली तो अगली पंक्ति पे बजना चाहिए, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी इधर ही कहीं आसपास घूम रहे हैं, पहुंचाइए उनके कानों तक कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार।